लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कन्या प्रधान के एक महत्वपूर्ण अदाकारा और एक किरदार एक स्टार कास्ट आज हमारे बीच में है और आज हम उनसे बात करने वाले हैं, कुणाल सिंह राजपूत जी। सर आप अपने इस सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे लीड इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल लीड इंडिया की पूरी टीम का, हमारी टीम की ओर से, कन्या प्रधान की टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सेट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज लॉन्चिंग पार्टी है हमारे शो कन्या प्रधान की, सब मस्ती में डूबे हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने चैनल के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए ताकि हम जिस एक मोटिव को लेकर आगे चल रहे हैं हम दर्शकों के दिलों में अपना जगह बना पाएं। जी बिल्कुल सर, इस कन्या प्रधान में सीरियल में आपका एक किरदार के बारे में बताएं, आप किस भूमिका पर यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं? कन्या प्रधान में मैं पॉजिटिव लीड कैरेक्टर हूँ, पैरेलल लीड मनमोहन लीड कर रहा है। तो शो है जो हमारा नॉर्थ ही, बेसिकली हमारे नॉर्थ में होता है कि दबंगई, पॉलिटिक्स और घर के अंदर सास बहू का ड्रामा, बहू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा एक पैटर्न चल रहा है। तो हमारा ये एक पैटर्न है शो का और बहुत ही कमाल का शो चल रहा है। अभी 2 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया शो को। तो सर जैसे आप शूट करते हैं तो उस समय आपको कैसा लगा? आपके शूट में जितने भी कहीं वाकेंस हुए होंगे, जो घटनाएं घटी होगी, ऐसे कोई मोमेंट जो बहुत, जिसमें आपको बहुत मजा आया हो, ऐसी कोई बात हमारे साथ शेयर की? देखिए मैं अगर सच कहूँ तो सुबह जब हम कॉल टाइम हमें मिलता है, यहाँ सेट पे आते हैं, उसके बाद पैकअप तक ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं कि मैं आपको अगर बताने लगूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं कुणाल सिंह राजपूत पिछले 14-15 सालों से इंडस्ट्री में हूँ। अशोका किया मैंने कलर्स के लिए एज अरसलान खुरासन, चंद्रगुप्त मौर्य किया सोनी के लिए, रामायण किया एज अ लक्ष्मण डीडी नेशनल के लिए, जय 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 बजरंगबली एक शो किया 1500 एपिसोड्स लगभग, जय जय बजरंगबली उसमें विष्णु का किरदार कर रहा था। तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े लीडिंग कैरेक्टर्स किए मैंने पिछले 14-15 सालों में। लेकिन ये एक शो जो रहा है कन्या प्रधान, अभी 2 महीने से हम शूट कर रहे हैं, एक अपना सा एक सेट पे जब हम आते हैं तो एक पूरी फैमिली हमारी, एक फैमिली की तरह हमें लगता है कि हम अपने घर में ही हैं, घर से निकल के एक दूसरे घर में आ गए हम। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे निगेटिव हों, बड़ा भाई, माँ, भाभी, बड़ी माँ, सब सारे एक बिल्कुल अपना तो सा लगता है और काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और हम चाहते हैं पार्थ प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में आप बताएं, आपके साथ किस प्रकार से उनकी डीलिंग रही और किस प्रकार आप जब उनके सामने जाते हैं बातचीत करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं संतोष सिंह और रोशल सिंह के बारे में? संतोष जी और रोशल मैम के बारे में मैं कुछ कहूँ तो शायद एक लाइन में यही कहूँगा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। संतोष जी बहुत ही डाउन टू अर्थ है, रोशल मैम बहुत ही सपोर्टिव हैं। जब उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पिच किया, उन्होंने बताया कि कुणाल इस कैरेक्टर के लिए हम आपके लिए सोच रहे हैं कि आप ये किरदार निभाएं, आदर्श जी ने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया था जो प्रोडक्शन हेड हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इतना कमाल का था। और प्लस सबसे बड़ी बात, ये टीम रोशल मैम, संतोष जी, आदर्श जी, शूटिंग आर्टिस्ट के अलावा साथ का जो प्रोडक्शन है, जो डायरेक्शन की टीम है, सब इतने गुणी हैं, सब इतने अच्छे हैं कि वो मुझे ऑफर करते इसके पहले ही मैंने सोचा कि यार विदाउट फेल किसी भी पल को गंवाए हुए मैं इस शो को ओके कर लूँ और मैं ये शो करूँ। मैंने दिल से इच्छा जताई और ये शो कर रहा हूँ मैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे पूरे शो को। वेरी गुड। आज इसकी लॉन्चिंग पार्टी है तो क्या हो रहा है, कैसे स्टार के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या हुआ इस पार्टी में आज के दिन? लॉन्चिंग पार्टी तो वैसे हमने काफ़ी अटेंड की है लेकिन सच में जो जैसे ही हम सेट पर पहुंचे, फर्स्ट एपिसोड हमारे शो का दिखाया गया, हर एक छोटे से कैरेक्टर से लेके बड़े कैरेक्टर तक जब वो इंट्रोड्यूस हुए तो लोगों ने इतना चीयर किया, इतना उनको वेलकम किया कि एक अंदर से एक पावर आ गई है ऐसे कि अब कल से जब हम फ्लोर पे जाएंगे तो हम फाड़ के रख देंगे सारे कैरेक्टर्स, एक कमाल का परफॉर्म करेंगे। क्या बात है सर। दूसरे कहीं प्रोडक्शन में आपने काम किया, पार्ट प्रोडक्शन में काम किया, क्या फ़र्क रहा होगा, क्या डिफरेंस रहा होगा काम करने में? देखिए जैसा मैंने कहा कि कई प्रोडक्शन ऐसे रहे हैं पहले जिनके साथ मैंने किया है तो एक फैमिली वाला एक फील रहा है, काम भी अच्छा रहा है। तो पार्थ प्रोडक्शन का एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक अपनी फैमिली की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है आपको। शो छोटा हो, बड़ा हो, बजट बड़ा हो, कम हो, डजंट मैटर, लेकिन थोड़े में ही बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। बींग एन आर्टिस्ट, बींग एन प्रोडक्शन वाले, बींग एन डायरेक्शन टीम, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या बात है। और हम चाहते हैं सर आपका इस सीरियल में कन्या प्रधान के अंदर कोई ऐसा डायलॉग जो आपका फेवरेट रहा हो तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ आप उसे जरूर शेयर कीजिए। जैसे फर्स्ट एपिसोड में मेरा इंट्रोडक्शन होता है, मैं अपनी भाभी से मुखातिब हूँ, उनसे कुछ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है और जो आज मैंने देखा यहाँ पर रिस्पॉन्स, सेकेंड एपिसोड में एक सीन रहा है जहाँ पे हम पूरे फैमिली दबंगई करते हुए हम दूसरे पक्ष, जो विरोधी पक्ष है, निगेटिव लोग हैं, उनके ऊपर हावी होने जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो एडवोकेट होता है वो इंग्लिश में कुछ डायलॉग्स बोलता है और हमारी फैमिली में सब इलिटरेट हैं,
अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, दबंग है, और मैं ही एक ऐसा हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ और स्कॉलर हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि लेट मी स्पीक यू इन इंग्लिश, लेट मी क्लियर यू, अंग्रेजी में समझ में आई या भोजपुरी में समझाई, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो सर हम और हम चाहते हैं कि हमारे लीड इंडिया के बारे में भी आप दो शब्द कहें और इस चैनल के लिए भी आप थोड़ा सा। मैं लीड इंडिया की पूरी टीम को, कन्या प्रधान की टीम की ओर से बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूं। आप लोगों ने यहां पर आकर हमारे इस इवेंट को कवर किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह से देख रहे हैं हम पसीने से सरोबार हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बाइट लेने के बाद में आप लोग भी इसी तरह से इंजॉय करें, मस्ती करें, धमाल मचाएं, और अभी नहीं जब तक ये शो चले 200, 500, 1000 एपिसोड तब तक आप लोग कंटिन्यू हमारे सेट पर आए, ऐसी हम मस्ती करेंगे। बहुत 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 ही सुंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लीड इंडिया के साथ बात करने के लिए।